सडन स्पर्ट आया है 5-6% का, कल भी 10% ऊपर था दीपक नाइट्राइट, और अभी तक इसको एक फिनॉल ओरिजिन वाला कंपनी समझा जाता है, फिनॉल रिलेटेड, लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से वो फिनॉल के बियॉन्ड भी काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट हफ्ते 10 दिन से जब से चाइना में पावर का इश्यू आया है, केमिकल स्टॉक्स जनरली काफी बज कर रहे हैं। आपने केमिकल्स को स्टडी किया हुआ है, आपका क्या व्यू है यहाँ पे वैल्यूएशंस पे, जो ट्रिगर्स हैं कुछ बड़े स्टॉक्स पे, क्योंकि ये जो 4-5 बड़े स्टॉक्स हैं SRF, PI, दीपक नाइट्रेट, ये 30-40 हजार करोड़ की कंपनीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यू ट्रिगर्स आ रहे हैं? इवन आरती वॉज अप 7% यस्टरडे। मॉर्निंग अजय जी, पहले तो खूब खूब शुभकामनाएं। तो जहां तक केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का एक प्रभाव रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक चाइना प्लस वन के वजह से जो एक चांसेस आ रहे हैं सारे सेक्टर के लिए आर यूनिक। दीपक नाइट्राइट अपार्ट फ्रॉम फिनॉल, आई थिंक जो आप फिनॉल की बात कर रहे हैं, जो फिनॉल एसिटोन का स्प्रेड है, ये और भी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो हुआ है इन द लास्ट क्वार्टर। आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर के रियलाइजेशन थे और ये तिमाही के बिकॉज ऑफ चाइना इश्यूज रियलाइजेशन जो हो सकते हैं, आई थिंक कैन बी ट्रिमेंडस। इसलिए आई थिंक जो फुल यूटिलाइजेशन पे कंपनी काम कर रही है, जो एक एपिक्स कर रही है, आई थिंक दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ हैविंग इट्स अर्निंग्स प्रॉप्ड अप। यू आर एब्सोल्युटली राइट एज वेल, आई थिंक उनका जो बेसिक केमिकल का बिजनेस है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का बिजनेस है और स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है अपार्ट फ्रॉम फिनॉल एसिटोन, वहां पे भी जबरदस्त end user demand. Valuations obviously have gone through the roof for the sector as a whole. तो मुझे लगता है I think earnings का momentum बिल्कुल बरकरार रह सकता है for all these factors. और इसके लिए I think stock के momentum रह सकता है. What we particularly like in spite of rich valuations is at this moment is RT Industries. I think logic बहुत simple है. The same logic for China plus one. But इनके जो products हैं benzene and benzene derivatives वाले top 5 में आते हैं globally. 75% I think is contribution from these products itself. Q1 में obviously supply chain के वजह से थोड़ी inventory buildup के वजह से जो container issues थे वहाँ पे issues दिखे थे, शायद Q2 में भी थोड़ा वो दबाव देखने मिले अगर हो सकता है तो, but generally end user demand remains extremely strong. Management की commentary has been very very robust. 25-35% की revenue growth in spite of the inventory related quarter. Margins 23-24% तक, strong cash flow improvement. कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल स्वीट स्पॉट में है, आई थिंक दैट रन विल स्टिल कंटिन्यू। व्हाट वी लाइक एट विलियम ओनील अजय जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज आरती इंडस्ट्रीज विद इन द बैंक, बट बाकी के स्टॉक्स को आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल मयूरेश, मॉर्निंग टू यू। देखिए बाजार के लिए रुझान इस समय शायद थोड़ा सा भले ही मिक्स्ड बैग जैसा हो, लेकिन एक जो बहुत बड़ा ट्रिगर जो कि सीरीज में प्ले आउट होगा मयूरेश, वो होगा अर्निंग्स का। और अर्निंग्स के लिहाज से ऐसे 2-3 कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको ये लगता है कि एक बहुत अच्छा जो मोमेंटम हमने रिकवरी का देखा है वो अच्छे से प्ले हो सकता है और गुंजाइश है वैल्यूएशन वाइज वहां पर नजर रखने की? तो मॉर्निंग मीर जी, मुझे लगता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पॉकेट्स हैं, नॉट द एंटायर स्पेस, जो पॉकेट्स हैं, आई थिंक यहाँ पे जरूर फोकस रखना चाहिए। पाइपिंग कंपनीज पे हमारा खासा रुझान है। मुझे लगता है आई थिंक जो क्वार्टर वन के नतीजे आए थे, आप कोई भी पाइपिंग कंपनी को देख लीजिए, फिनोलिक्स इंडस्ट्रीज हो, एस्ट्रल हो, सुप्रीम में जो छोटा सा एक पाइप का बिजनेस है, प्रिंस पाइप्स हो, आई थिंक ऑल पाइप कंपनीज हैव डिलीवर्ड अ वेरी वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन प्रेशर जो Q1 में देखे गए थे। तो वॉल्यूम ग्रोथ डिसेंट थी, इनपुट कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन देखा गया था रॉ मटेरियल्स पे कहीं ना कहीं पास थ्रू हुई थी बिकॉज ऑफ द पास थ्रू इफेक्ट, और जो डिमांड है आई थिंक दैट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, आवास योजना, अमृत, नल से जल, और जो ऑर्डर्स आ सकते हैं ये कंपनीज के तरफ कैन बी स्टूपेंडस। तो मुझे लगता है आई थिंक गवर्नमेंट हैज ओनली स्पेंट 32%, सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं, देयर एग्जीक्यूटिंग क्वाइट वेल, लेवरेज बहुत ज्यादा है नहीं काफी कंपनीज के ऊपर। तो मुझे लगता है पाइप विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर वन स्पेस, फिनोलेक्स, एस्ट्रल, सुप्रीम कैन बी लुक्ड एट। विद इन दिस सेम स्पेस जो एक दूसरा सब सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला, यहाँ पे भी आई थिंक दैट सेम थिंग विल कंटिन्यू, क्योंकि जितनी कंस्ट्रक्शन होगी देश में और जो प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, पोर्ट डेवलपमेंट हुआ, रोड डेवलपमेंट हुआ, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। पर्टिकुलरली लाइक एक्शन कंस्ट्रक्शन, हमें लगता है बहुत स्टेबल बैलेंस शीट है,
नेग्लिजिबल डेट है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कारोबार और एक छोटा ट्रैक्टर का कारोबार जो 9000 यूनिट का है, दैट शुड सफाइस फॉर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम फॉर द स्टॉक इटसेल्फ एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न इश्यूज एज वेल। और तीसरा, जैसे गडकरी साहब ने कहा, आई थिंक रोड कंस्ट्रक्शन, जो रोड का डेवलपमेंट हो रहा है आई थिंक पिछले कई सालों में, एंड इफ यू कंपेयर दैट विद द पास्ट फ्यू डिकेड्स, हैज बीन सॉलिड। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे नए हाईवेज आएंगे, जो ऑर्डर विंस आते जा रही है और जो IRR से जनरेट करते हैं, आई थिंक कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर दिस सेक्टर एज वेल। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स, लो लेवरेज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑर्डर फ्लोस, ये सेक्टर को आई थिंक फोकस में रखेंगे। तो स्टॉक्स लाइक KNR कंस्ट्रक्शन, PNC, मुझे लगता है आई थिंक कैन डू वेल। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट गोज, मुझे लगता है आई थिंक ये तीन पॉकेट्स में अर्निंग्स मोमेंटम बरकरार रह सकता है। सेकेंड क्वार्टर अपडेट्स की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इंडसइंड बैंक के सेकेंड क्वार्टर नंबर्स के भी अपडेट आए हैं, उसको आप स्टॉक को अपना चार्ट्स पे लेके आइए। डायरेक्टर साहब, प्रियंका, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए अगर इस अपडेट की बात करें तो जो डिपॉजिट्स हैं वो तो आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं 2.75 लाख करोड़ है, जबकि बाय एंड वाई ये फिगर जो थी वो तो 2.28 लाख करोड़ थी, लेकिन नेट एडवांसेस में कुछ यहाँ बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 2.2 लाख करोड़ अब है वर्सेस 2.01 लाख करोड़ वाई ऑन वाई, और कासा रेशो देखिए थोड़ी सी बढ़ी है, अब बढ़कर 42% हो गया, जबकि कासा रेशो पहले जो थी वो 40% थी। मयूरेश से इस पर लाइन ले लेते हैं। मयूरेश, कैसा देख रहे हैं आप इस फिगर को? हम HDFC बैंक के भी आज एडवांसेस की चर्चा कर रहे थे, अब इंडसइंड बैंक के भी आ गए हैं एडवांसेस। वो एब्सोल्युटली मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स आई थिंक एनकरेजिंग ईयर ऑन ईयर के लिए, मैं भूल भी गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एडवांसेस 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिपॉजिट ग्रोथ 3% से बड़ी है और कासा रेशियो अनचेंज है। व्हाट दिस बेसिकली मींस इज कि जो अक्रीशन हो रहा है एडवांसेस ग्रोथ में, और जो मैनेजमेंट्स काफी कह रही थी बैंकिंग सेक्टर से कि आई थिंक एंड ऑफ क्वार्टर वन में हमें काफी कुछ पॉजिटिव साइंस देखने मिले हैं बोथ रिकवरीज में और आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ फॉर वेरियस सेक्टर्स इटसेल्फ। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक की जो आई थिंक पेचीदा चीजें थी, एक्सपोजर्स जो क्रेडिट कार्ड का था, व्हीकल वाला एक्सपोजर था, एज द इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग एडवांसेस ग्रोथ में और तुल पकड़ेंगे सेकंड हाफ में, डिपॉजिट बेस जैसे बढ़ेगा आई थिंक द एक्सेसिबिलिटी टू लो कॉस्ट डिपॉजिट्स विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज, और इससे निम्स में स्टेबिलिटी आएगी, और जैसे एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी आएगी और निम्स थोड़े सुधरेंगे, एक लेवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी पे डेफिनेटली प्ले आउट होगा। तो आई थिंक एक डिसेंट सेट ऑफ अपडेट्स HDFC ने दिया है, इंडसइंड बैंक ने दिया है, CSB ने दिया है, फेडरल ने दिया है, तो मुझे लगता है आई थिंक द बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग अप, जिसके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। मयूरेश, अब टिपिकली इस तरह के बाजार में एक जो दूसरा एक अहम ट्रिगर होगा, एक तो हमने जैसे बात की कि जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो अपने आप में एक ट्रिगर होगा, लेकिन साथ ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बीच जो प्राइमरी मार्केट है उसमें पाइपलाइन जिस तरह से सॉलिड है काफी, और काफी बड़ा सप्लाई आने वाला है, क्या कोई ऐसे सेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स आपके रडार पर है जहां पर यू वुड रेकमेंड कि इस समय थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लिया जाए एंड देन मे बी यू कैन प्रिजर्व दैट फायर पावर फॉर प्राइमरी मार्केट्स? तो मीर जी, मुझे लगता है आई थिंक ऑब्वियसली स्टील और जो फेरस सेक्टर है, फेरस या नॉन फेरस, आपको इंटरमीडिएट स्पाइक्स देते मिलते हैं जैसे चाइना से न्यूज फ्लो आते रहता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सेक्टर के लिए एक रनअप देखा गया था, हमें लगता है आई थिंक दैट रनअप इज लार्जली डन विथ, और जितने भी पॉजिटिव्स हैं आई थिंक ये जेस्टेट हो चुके हैं। कमोडिटीज एज अ सेक्टर हैज टू प्लेड आउट इन अ उल्टा साइकिल में खेला जाता है, तो आई थिंक व्हेन द गोइंग इज वेरी वेरी गुड आई थिंक दैट टाइम आई थिंक यू शुड ऑफलोड योर पोजीशंस एंड देन वेट फॉर डिक्लाइंस। तो मेरी रणनीति रहेगी, हमारी रणनीति रहेगी आई थिंक थोड़े आप लाइट हो सकते हैं मेटल या कमोडिटी काउंटर से, get your positions down a tad bit. अगर markets नीचे आते हैं maybe there will be opportunities going forward, but at this point of time मुझे लगता है commodity से थोड़ी profit booking की जा सकती है। मयूरेश, आप विजय केडिया को सुन रहे थे, वो काफी समय से मिड कैप में बड़े इन्वेस्टर बन गए 20-25 साल के बाद, और वो कहते हैं कि अगर आपने अच्छा स्टॉक ले लिया तो इंडिया अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि उसमें कई गुना पैसा हो सकता है। तो फंडामेंटल के हिसाब से जो आप आजकल सेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक्स को स्टडी कर रहे हैं, अगर 3-5 साल का व्यू लिया जाए तो कौन से सेक्टर में आपको मयूरेश मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज का पोटेंशियल दिखता है? तो अजय जी, आई थिंक तो विजय भाई इज अ
फैबुलस इन्वेस्टर, काफी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ एंड इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप क्वालिटेटिव नेम्स चूज करते हैं मिड कैप यूनिवर्स से तो अगले 3 से 5 वर्षों में अभी भी पैसा बन जा सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक टेक्सटाइल क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जितना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, और काफी प्लेयर्स अजय जी हमारे यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी पूरा जो प्रोसेस होता है टेक्सटाइल का, कॉटन प्रोसेसिंग से लेके फैब्रिक तक का, इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ये सारी वैल्यू चेन कवर करती है और बहुत ज्यादा लेवरेज बैलेंस शीट पे है ही नहीं। दूसरा आप देखिए जो चाइना में प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग रीजंस इन चाइना हैज इफेक्टिवली शट डाउन। यूरोपियन देश, अमरीकी देश, आई थिंक चाइना प्लस वन सोर्सिंग के हिसाब से डेफिनेटली देख रहे हैं, एंड दो वी आर कॉम्पीटिंग विद प्लेयर्स लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हमारी जो क्वालिटी उभर के आ रही है मुझे लगता है आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट। तीन पहलू इन टर्म्स ऑफ कॉटन विच इज adequately available Indian subcontinent pe, labor cost which is comparable or cheaper compared to a lot of these producing nations, power and water costs are also very very low, isliye I think textile kshetra pe definitely dhyan dena chahiye. Multi-billion growth aa sakti hai jo government ne objectives laye ROC SCL, I think iske jo incentives hai aur roadmap ke jo incentives hai ye sector ko zabardast badhav denge. To mujhe lagta hai I think ye sector focus pe rakhe stocks that we like at this point of time within this space, मुझे लगता है वेल्सपन इंडिया, काफी बाकी के स्टॉक चल चुके हैं, केपीआर हुआ, इंडोकाउंट हुआ, वर्धमान हुआ, बट वेल्सपन मुझे लगता है अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक के लिए टू कीप ऑन ग्रोइंग इट्स बिजनेस। 18% शेयर है यूएस बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ कॉटन शीट्स, 12% कॉटन पिलोज, मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक बहुत बेहतरीन कर सकता है अगले कुछ वर्षों के। मयूरेश, फेस्टिव सीजन, अर्निंग सीजन, ये सब के ट्रिगर्स तो है ही, लेकिन साथ ही ऑटो में एक जो सबसे बड़ा ग्लोबल ओवरहैंग है वो है चिप शॉर्टेज का। हमारे साथ इनफैक्ट कुछ ही देर में मारुति से शशांक श्रीवास्तव जुड़ने भी वाले हैं, लेकिन ऑटो स्पेस पर आपकी राय क्या है इस समय? नहीं मीर जी, आई थिंक जो सेमीकंडक्टर और चिप शॉर्टेज के इश्यूज है अभी भी प्रेविलेंट है। आप कहीं भी, आप कोई भी मैनेजमेंट को सुने, दे आर स्टिल सेइंग दोज इश्यूज परसिस्ट, सप्लाई चेन और कंटेनर इश्यूज के वजह से वो और एक्सेंचुएट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव डेफिनेटली दिख रहा है, जो प्लान्ड शटडाउन्स है प्लांट्स में दे आर एविडेंट, डीलर नेटवर्क के एंड पे इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है 4 से 5 हफ्तों की, और कॉम्पिटिशन है, प्लस आर एंडी एक्सपेंसिस करने हैं आपको ईवी प्लेयर्स की तरफ। तो मुझे लगता है आई थिंक कोर ऑटो सेक्टर को छोड़ के थोड़े ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिव प्लेयर्स विद इन दैट स्पेस देखे जा सकते हैं, प्लेयर्स हु आर प्रॉब्ली ट्रांजिटिंग देमसेल्फ वेरी वेरी क्लियरली ईवी इकोसिस्टम में। तो आई थिंक मिंडा इंडस्ट्रीज जो डिवर्सिफाइड प्ले है ऑटो एंसिलरी पैक में, इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं मीर जी, सेंसर्स कर रहे हैं डेवलप, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो कोर गाड़ियों के लगता है ओईएम्स और रिप्लेसमेंट, आई थिंक ये दोनों मार्केट्स आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल फॉर देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि ऑटोज में आई थिंक थोड़ा आई थिंक वेट एंड वॉच करें, बट ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस, इसमें आई थिंक जो लीडर्स हैं, जो डिवर्सिफाइड प्लेयर्स लाइक मिंडा इंडस्ट्रीज, इस पर डेफिनेटली ध्यान दिया जा सकता है। बीच एक बार HDFC को देखते हैं, HDFC पर करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, उन्होंने संकेत भी अच्छे दिए थे। अब HDFC आपको कैसा लगता है मयूरेश इन लेवल्स पर? पोर्टफोलियो वाला स्टॉक आई थिंक जो एक कंसिस्टेंसी नंबर्स में पेश करता है, और जो Q2 के उन्होंने अपडेट दिए हैं वेरी वेरी एनकरेजिंग, तो आई थिंक ये संकेत डेफिनेटली दे रहा है कि जो रियल इस्टेट की डिमांड में हमको सुधार देखने मिला है, जो इन्वेंट्री लेवल्स कम हुए हैं, जो हाउसिंग डिमांड है वो ऑब्वियसली रब ऑफ होगा इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग लोन्स एज वेल, और इसके लिए आई थिंक जो ये प्राथमिकता रखता है, जो आई थिंक एक सुपीरियोरिटी लगता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ फंड्स, और जो निम्स है इनके आई थिंक बेस्ट इन क्लास है इंडस्ट्री में अलॉन्ग विद एसेट क्वालिटी, जितनी प्रोविजनिंग बैलेंस शीट पे की है ये सपोर्ट करती है इवेंचुअलिटीज को, जो मुझे नहीं लगती अभी आएगी, और जैसे डिमांड ग्रोथ ही जाएगा आई थिंक द बुक वैल्यू ऑल्सो कीप्स ऑन एक्रीटिंग बिकॉज ऑफ द लार्जर अमाउंट ऑफ लेवरेज दैट दे कैन टेक इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल एडवोकेसी एंड लोन बुक इटसेल्फ। तो मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, कोई दो राय नहीं है, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए।